ये शायद मुझे नहीं लगता तुम लोगों को ही बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये मेरा प्रोडक्ट है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अपने अपने घरों में मौत ले रहे हो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ। और मैं हूँ आप लोगों का अपना रवि मैन। और अगर अपना नहीं मानते तो मानने लगो यार। तो भाई, आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी बजने 9:30। अगर तुम्हें दिख रहा हो 9:30 से ऊपर, ये 9:40 हो गए, तो अभी निकल रहा हूँ मैं जिम के लिए। तो आज की जो वीडियो है ना, वो वीडियो होने वाली है मैं अपने स्किन केयर रूटीन कैसे करता हूँ। अभी तो वैसे मेरी स्किन ठीक हो चुकी है, मेरी स्किन पे अभी बहुत सारे दिक्कतें हो गई थी जो मुझे पता है क्यों हुई थी। पिंपल विम्पल हो गए थे जो कि अब जा चुके हैं, बस थोड़े से निशान रह गए हैं। तो मैं बताता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर इन सबसे कैसे निजात पा सकते हो। तो पूरा व्लॉग देखते रहना। अभी जिम होके आता हूँ, फिर आके, और हवा बहुत सही चल रही है भाई, लिटरली हवा सही चल रही है। और यहाँ कूलर चल रहा है, और ये देखिए हमारा थॉर जो कि मस्त हो रहा है। तो अभी निकलता हूँ जिम। जिम के लिए पहले अपनी ये वाली बोतल, इसमें डाल लेता हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि जिम में हो जाता बहुत ज़्यादा गर्म। तो यहाँ से थोड़ा अपना ठंडा पानी मिक्स करके लेके जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा लिटरली। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो चलो भाई, अब हम चले जिम। ये हमारा बैग, ये रही हमारी चाबी है, और ये हम निकले। कोई नहीं, वो दूसरा ठीक कर देंगे भाई, लोगों की जान खराब होगी। वो खड़ी मेरी रोशनी, और ये खुल गई और रोशनी गंदी तो हो रही। एक बार मैं टायर चेक कर लूँ, क्योंकि किसी ने इसके टायर की हवा निकाल दी थी दोबारा, जिसमें पंचर हुआ था ना मूवी वाले शो में उसकी। हाँ, हवा ठीक है। चलो, ये वाला तो ख़राब हो चुका है टायर, देखो इसके अंदर ट्यूब डलवाई हुई थी, निकाल दी। टायर नया डलवाऊँगा, क्योंकि टायर फट चुका है खड़े खड़े, बहुत टाइम से खड़ा था। और ओह शिट मैन, भाई इतनी गर्मी होती है ना, अगर रवि फ्राई मिल जाएगा तो मैं किसी दिन खाने को, और कुछ नहीं। और ये सत्यम ने पार्क की है गाड़ी, फुल ऊपर है, नीचे करना पड़ रहा है अभी। इतनी ऊपर करके पार्क करता क्योंकि थोड़ी सी हाइट उसकी मेरे से कम है। चलो मारते हैं सेल्फ, ये गाड़ी स्टार्ट, और अब चलते हैं जिम। तो जिम का क्या रास्ता दिखाऊँ, वर्कआउट करके निकलता हूँ, तो कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को। तब तक आके मेन, ओह शिट मैन, रेस दब गई मुझसे, सॉरी। तो आके ही मेन, अरे उंगली आ रही, तो आके ही मेन पॉइंट पे वीडियो बनाएंगे। बिना बात तुम्हारा टाइम खाने का कोई मतलब नहीं है कि 20-30 मिनट का ब्लॉग करूँ। तो आके अपना मैं स्किन केयर पे बनाऊँगा। और फिर मेरी गाड़ी के पीछे किसी ने गाड़ी अड़ाई भाई, बैठ गया गाड़ी में, और गाड़ी भट्टी हो रही है। सेल्फ मार दो यार, रुक जाओ, उल्टा हाथ से सेल्फ मार रहा हूँ, पर कोई नहीं, हमारी गाड़ी बंद, सेल्फ स्टार्ट है, नजर ना लगे। तो भाई अभी चलता हूँ घर, एसी चला लेता हूँ, घर पहुँच के बात करेंगे। बहुत गर्मी है, लिटरली बहुत गर्मी है भाई साहब, आज रवि फ्राई हो जाएगा नहीं तो। और ये पीछे देखो यार, ट्रैफिक भाई। तुम लोगों के साथ भी होता है क्या, तुम्हारी गाड़ी फंस जाती है बैक करने में? ये है फेस टू पल्लापुरम मेरठ का, यहाँ यही हाल है भाई। और अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाओगे, ठीक है। का जो मेन टॉपिक था, तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई, 8 बज चुके हैं, देख रहे हो, मतलब मेरी मेहनत को ना थोड़ा सा वो रखा करो। तो आज का जो मेन टॉपिक था वो था स्किन के ऊपर, और मेरी स्किन इतनी साफ या वो कैसे रहती है, मैं बताता हूँ क्यों रहती है। वो रहती है इसलिए क्योंकि मैं फिल्टर यूज़ करता नहीं भाई, मतलब फिल्टर तो यार सब यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं स्किन क्लियर कैसे रखता हूँ। अभी तुम लोगों ने अगर देखा हो, मेरे को पिंपल वगैरह हुए थे, और अभी 3-4 दिन के अंदर बिल्कुल स्किन फिर से साफ हो चुकी है। तो आओ मैं बताता हूँ क्या करते हैं। चलो, तो भाई सबसे पहली चीज़ होती है फेस वॉश। तुम अपना फेस वॉश ऐसा लो जिसमें ज़्यादा केमिकल वगैरह ना हो, देख के थोड़ा सा, और किसी भी ना एक बार डर्मा से, किसी भी डर्मा डॉक्टर जो होता है स्किन वगैरह वाला, उससे कंसल्ट कर लो, तो तुम्हें एक अच्छी अच्छी क्रीम बता देगा, अच्छा फेस वॉश बता देगा, जिससे फिर क्या होगा ना, हमेशा फिर वही वाला यूज़ करते रहना, क्योंकि केमिकल जो होता है ना वो आपकी स्किन को एक बार तो बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाएगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारी स्किन के साथ होता है ना भाई, केमिकल मतलब डेफिनेटली मार देते। और लड़कों भाई, खासकर तुम्हारे लिए, और है मेरे भाई, साबुन से मुंह धोना छोड़ दो यार। अब भी मुझे अब भी बताया, मेरे ही व्यूअर्स में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो साबुन से मुंह धोते हैं, जो धोते हैं ना, नीचे कमेंट कर दो, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं, कमेंट करके बता दो। चलो, फेस वॉश तुमने कर लिया, उसके बाद मैं बताता हूँ तुम्हें फेस वॉश के बाद क्या करना है। उसके बाद करना है तुम्हें टोनिंग। टोनिंग के लिए सबसे सही क्या होता है, देखो टोनर होता है गुलाब जल, इसका क्या करना है तुम्हें, सिर्फ चेहरे पे स्प्रे मारना है जब तक ये सूख जाए। उसके बाद सूखने के बाद तुम्हें क्या करना है, फिर करना है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर
होता है ये मेरे पास लैक्मे का है, हर किसी की स्किन के लिए नहीं होता, तुम अपनी स्किन टाइप देख लेना, ऑयली है कि ड्राई है, मेरी ऑयली है तो मैं ये वाला यूज करता हूँ, ठीक है, तो ये यूज करना। और भाई मेन चीज, आजकल जितनी गर्मी हो रही है, जितनी ज्यादा धूप है, मतलब तुम लोगों अगर हद धूप है, हद गर्मी, तो उससे बचने के लिए अपना एक सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। मेरी सनस्क्रीन ये है SPF 50 लेना, उससे नीचे मत लेना क्योंकि कोई फायदा नहीं है इतनी ज्यादा गर्मी में उसके नीचे लेने की। तो और क्या कर सकते हो, और हाँ, हफ्ते में दो बार भाई स्क्रब करो, क्लींजिंग करो अपने चेहरे की। स्क्रब करने से क्या होता है, जो डार्क हेड्स होते हैं ना, तो वो निकल जाते हैं और आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। तो ये करो, और तो कुछ चीज़ें हैं जिससे तुम्हारी स्किन ज़्यादा अच्छी रह सकती। तो भाई और सबसे अच्छा क्या है कि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो अपनी स्किन को ठंडक देने के लिए हम बर्फ़ लगा सकते हो, मतलब एक बार हफ्ते में एक बार दो बार बर्फ से अपने रगड़ लिया करो, उससे ब्लड फ्लो अच्छा बन जाएगा। और मुल्तानी मिट्टी भाई सबसे बेस्ट होती है, अपने मुंह पे लगाओ, ठंडक मिलेगी और जितना भी ऑयल होता है ना चिपचिपापन, वो सारा खींच लेगी। उसके बाद फिर अपना यही कर लो जो मैंने तुम्हें बताया। और जो मेन चीज़ें हैं, ये सब तो हो गया तुम्हारा जिससे तुम अपनी स्किन को ग्लो करा सकते हो, चमका सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से तुम्हारी स्किन अच्छी दिखेगी भाई, 3 से 4 पॉइंट है। एक तो अपनी स्लीप, अपना स्लीप रूटीन अच्छा करो, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लो। अगर नहीं सोओगे वो तुम्हारी आंखों पे दिखेगा और तुम्हारे चेहरे पे दिखेगा, और भाई उसके बाद ना सही बता रहा हूँ कोई अट्रैक्ट नहीं होने वाला। तो स्लीप, अपना हेल्दी खाना रखो, ज़्यादा तेल खाओगे, ज़्यादा उल्टा सीधा खाओगे तो फिर तुम्हारे मुंह पे दिखेगा। सीधी सी बात है, तुम लोगों को पता है पिंपल आते हैं, स्किन मतलब बहुत तरीके से रिएक्ट करती है। और तीसरी चीज़ है अपना मेंटल हेल्थ को अच्छा रखो, क्योंकि जितनी तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी ना, उतना तुम्हारे चेहरे पे ग्लो दिखेगा। मेंटली तुम परेशान हो, मतलब हद से ज़्यादा परेशान हो, अंदर कुछ चल रहा है, तुम बाहर से हंस भी रहे हो ना भाई, मज़ा नहीं आएगा। मेंटल हेल्थ तुम्हारी स्किन पे बहुत ज़्यादा असर डालती है, मतलब इतनी डल स्किन तुम्हें लगेगी ना, तुम कुछ भी यूज़ कर लेना, सब कुछ यूज़ कर लेना, पर तुम्हारी स्किन डल रहेगी। और जो लास्ट पॉइंट है भाई, अपने आप को ग्रूम रखो। ग्रूम रखने से क्या होगा, अपनी बियर्ड ग्रूम रखो, इसे कट आके रखो। ये नहीं है कि तुम्हारे बाल यहाँ तक आ रखे हैं और उसके बाद तुम कह रहे हो स्किन अच्छी लग रही, भाई स्किन अच्छी लगेगी ही नहीं अगर तुम्हारे बाल आ रखे हैं। एक बार जाके अच्छे से ग्रूम करा के आओ, अच्छे से कटा के आओ, अपनी कटिंग बियर्ड कट अच्छा लेके आओ, अपने हेयर कट अच्छा लेके आओ, भाई बेस्ट लगती है। और तुम्हें ये सब मैंने बता ही दिया। और कभी कभी तुम रात के टाइम सोते टाइम, ये मेरा हैक है, मतलब तुम लोग भी यूज करते हो ये, शायद मुझे नहीं लगता तुम लोगों को कोई बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये मेरा प्रोडक्ट है भाई, ये है मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड, इसको तुम यूज कर सकते हो। देख लो, प्रमोशन नहीं करता मैं, लेकिन इसको तुम यूज कर सकते हो अल्टरनेट डे अपने चेहरे पे, जहाँ तुम्हारे पिंपल वगैरह है, आंखों से दूर रखना, बस टैप 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 करके लगा लेना, ये सबसे बेस्ट है। और कभी कभी तुम रात, ये सिर्फ रात को सोने के टाइम, और सवेरे उठ के धो लेना, कुछ नहीं होता है। तो और हाँ, रात को सोने के टाइम तुम कभी कभी एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो भाई, बेस्ट चीज, नो प्रमोशन, बेस्ट चीज़ है भाई, इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, बस इतनी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा कुछ मतलब इसमें कुछ भी केमिकल वाला नहीं था, केमिकल्स मैं यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, तभी मेरा चेहरा ऐसा है। और तो मैं बता देता हूँ सैलिसिलिक एसिड क्या करता है। सैलिसिलिक एसिड तुम्हारे वाइट हेड, तुम्हारे पिंपल, तुम्हारी स्किन को ब्राइटनेस देता है, ये काम करता है, और वाइट हेड और ब्लैक हेड्स लगा देता है अच्छे से। तो ये था मेरा सारा रूटीन। और हाँ, और भाई एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें, वो भी मेरा है कि मतलब वो हर किसी की स्किन के लिए सूट नहीं करता, पर जिसकी स्किन को सूट करता है ना भाई, लिटरली उसकी स्किन पे जादू वाला असर करता है, जादू वाला। तो भाई वो प्रोडक्ट है ये विटामिन सी, तुम्हें दिख रहा होगा, मैं प्रमोशन नहीं करूँगा फिर से किसी भी ब्रांड का, लेकिन विटामिन सी अगर मतलब इसे तुम सवेरे उठ के ना दो के अपने चेहरे पे रगड़ लो, अगर तुम्हारी स्किन को सूट करता है तो, ये एक दो दिन में बता देगा, सूट नहीं करेगा तो एक दो पिंपल आ जाएंगे, उसके बाद यूज मत करना, पर अगर सूट कर गया तो लिटरली चमक आ जाएगी चेहरे पे, लिटरली। और ये सब तो दूसरी चीज है भाई, स्लीप, खाना और मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा यही जरूरी है। ये अच्छी रखोगे, मस्त लगोगे, बेहतरीन लगोगे। और हफ्ते में दिन में 2 से 3 बार मुंह धोया करो, रात को सोते टाइम मुंह धो के ही सोया करो, अपनी क्रीम व्रीम लगा के सोया करो, बिना मुंह धोए मत सोया करो, सारी गंदगी लेके सो जाते हो, फिर सवेरे उठते हो बहुत बेहतरीन से चेहरे के साथ, उसके बाद तुम्हारे ना लड़के देखती हैं और ना गोंडे देखते हैं, फिर तुम कहते हो यार मजा नहीं आ रहा जिंदगी जीने में, तो जिंदगी जीने में मजा आएगा, अपने भाई को फॉलो करते रहो। सो गाइज, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं दे चुका हूँ, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो और मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर देना अगर तुम करना चाहो तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर किसी भी चीज़ के ऊपर तुम लोगों को ब्लॉग चाहिए या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, फैशन फिटनेस तुम्हारा भाई बैठा है तुम्हारे लिए, तो कमेंट कर दो, सारे कमेंट पढ़ता हूँ तुम्हें पता है अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन मौज लो, रोज लो, ना मिलता तुम खोज लोगे, और ध्यान रखो अपना सब।